गाइस ऑर्गेनिक कैबेज मेरा पिताजी लगाया है इधर में फार्मिंग, कैबेज फार्मिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बढ़िया हो गया है गाइस। ये कैबेज ऑर्गेनिक कैबेज आप देख सकते हैं आप गाइस। ऑर्गेनिक सालगुम ये है गाइस, वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक सालगुम है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलता है गाइस। ये सालगुम कच्चा खाने में भी बड़ा बड़ा टेस्ट होता है गाइस, कच्चा खाने में भी बहुत टेस्ट होता है और सब्जी भी का बहुत बढ़िया होता है। ये है कच्चा सालगुम, और बड़ा होता है, ये बस छोटा है अभी और बड़ा होने वाला है। और गाइस ये राई साग है, इसको पत्ता साग बोलते हैं, लाई साग भी बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में गाइस बहुत फेमस है, और ये गाइस पोर्क के साथ बनाने से बहुत टेस्ट होता है। इसका लीफ जो है ना गाइस, साइज बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा साइज लीफ है। ये बड़ा जाति का है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ये भी बहुत फेमस है, जो कि पोर्क के साथ बनाने से या भाजी बनाने से भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है गाइस। ये है राई साग, पत्ता साग, ये नॉर्थ ईस्ट में फेमस है गाइस। ये गाइस पालक, पालक साग देख सकते हैं यहाँ पे पालक, और यहाँ पे है गाइस ये है गाइस प्याज, प्याज का पेड़ है ये, देख सकते हैं लाइन से प्याज का। और गाइस ये है पालक साग, पालंग, यहाँ पे मेथी भी है, पालंग है। ये मेरे लिए पिताजी ने लगाया है क्योंकि मैं अभी आया ना गाइस, तो अभी मज़ा से ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाएंगे, साग, पालक साग। गाइस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये टमाटर है, स्मॉल टमाटर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा है टमाटर फार्मिंग, ये गाइस बड़ा वाला टमाटर नहीं, छोटा वाला टमाटर है गाइस। और यहाँ पे लौकी, असम लौकी, यानी कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा लौकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लौकी है। इधर में भिंडी भी लगाया है, नहीं हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्मॉल टमाटो, ये बहुत खट्टा होता है खाने में, और स्मॉल टमाटो है यानी कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हम लोग बाज़ार में मिलता है बड़ा बड़ा सा साइज टमाटो, वो तीन डालने से भी खट्टा नहीं होता, ये एक डालने से ही, दो डालने से ही खट्टा होता है गाइस सब्जी में, और खाने में भी बहुत टेस्ट है। और ऑर्गेनिक टोमेटो है ये भी पिताजी लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे टमाटर ज़्यादा हो गया है, देखिए गाइस ये स्मॉल टोमेटो में ज़्यादा फार्मिंग है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लगाया है यहाँ पे है आपका बैगन, ब्लैक बैगन यानी कि ऑर्गेनिक बैगन, और साथ में है कॉर्न, मकोई, मकोई बोलते हैं कॉर्न, ये कॉर्न है पेड़, ये कॉर्न का पेड़ है, यहाँ पे बैगन है, और साथ में फ्रेश बीन, फ्रेश बीन बीन्स, ये बीन्स का पेड़ है। यहाँ पिताजी ने बहुत ज़्यादा सब्जी लगाया है, अभी तो इस सीज़न पे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि धूप बहुत कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लगाया है। और गाइस नहीं तो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सब्जी का फार्मिंग किया था पापा ने, ये बीन्स है और बीच में बैगन है, बैगन है यहाँ पे बहुत बड़ा, बीच में बैगन भी लगा दिया है, इनकी घर में खाने के लिए हो जाता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल घर में खरीद के खाना नहीं पड़ता है हम लोग को, जब घर में भी उत्पादन करते हैं हम लोग। पिताजी कॉर्न भी है, मकोई, यहाँ पे साग भी है, लाल भाजी, यही है गाइस यहाँ का मेरा पिताजी का फार्मिंग, और इधर भी होता है, इधर नहीं बनाए, यही है गाइस। तो आई होप गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वीडियो में जो भी नए बने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ का नदी का व्यू जो इस टाइप से व्यू है नदी का, यहाँ का व्यू, नदी का व्यू, तो बाय बाय गाइस।